रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाहिए वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को दूर कर सर्वथा हर लेते थे। वहाँ की तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अंगूर बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। मन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भोजे भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितृ देवता तिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी।